हिमाचल पुलिस नशा तस्करों पर सख्ती से शिकंजा कसती नजर आ रही है। तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई अभियान भी चलाए हुए हैं। जिला सोलन में पुलिस ने अवैध शराब तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सोलन के रबौन क्षेत्र में एक दुकानदार के पास से 68 शराब की बोतलें बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है, जिसमें शुरुआती जांच में पाया गया कि दुकान को संभालने की पूरी जिम्मेदारी दुकान के मालिक संजीव ने सिरमौर के रहने वाले विजेंद्र को सौंप रखी थी। संजीव का कहना है कि करीब 2 सालों से इस दुकान को चलाया जा रहा है। बता दी कि आरोपी विजेंद्र ने दुकान के अंदर गड्ढा किया था, जहां शराब छुपाई हुई थी, और इस अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजेंद्र को हिरासत में ले लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।